हेलो गाइज, वेलकम टू गौरव श्रीवास्तव इंग्लिश वर्ल्ड। माय सेल्फ गौरव श्रीवास्तव और हम लोग अपने प्रीपोजिशन के भाग में आगे का पोर्शन देखेंगे, जिसमें आज हम दो प्रीपोजिशन टू और फार के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। टू के पहले प्रयोग की ओर बढ़ते हैं। तो टू का पहला प्रयोग की ओर के अर्थ में होता है, जहां पर हम को के अर्थ में भी कह सकते हैं। को के अर्थ में यहां पर मोशन होगी, तो हम यहां पर को के अर्थ में जब मोशन होगी तो हम टू का प्रयोग करेंगे, और टूवर्ड की ओर के लिए हम टूवर्ड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला की ओर के लिए एग्जांपल लिखा हुआ है, ही वेंट द मार्केट, वह बाजार की ओर गया, तो यहां पर हम टू फिलअप कर देंगे। दूसरा प्रयोग फ्रॉम टू, से और तक के अर्थ में भी हम टू का प्रयोग करेंगे। जैसे ही डांसेस, तो यहां पर पढ़ेंगे सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग टू, वह सुबह से लेकर शाम तक नृत्य करता है, तो यहां पर फ्रॉम, यहां पर टू। तीसरा प्रयोग परफेक्ट के लिए करते हैं, उद्देश्य के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे राहुल केम, राहुल आया, मीट माने मिलने, टू मी माने मुझसे, तो यहां पर हम भरेंगे राहुल केम टू मीट मी, राहुल मुझसे मिलने के लिए आया। चौथा प्रयोग प्लेस, स्थान के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मीरा केम टू माय हाउस, मीरा मेरे घर को आई, तो स्थान हमारा घर हो जाएगा। पांचवा प्रयोग बाकी और कम, समय के अर्थ में करते हैं। जैसे इट इज फाइव, तो यहां पर हम भर देंगे आगे टू थ्री, पांच बजन, तीन बजने में पांच मिनट कम है, मतलब कि 2:55। यहां पर टू का प्रयोग समाप्त होता है। फार को देखिए, फार का बेसिक अर्थ में हम लेते हैं के लिए। फार का पहले के ही अर्थ में जो प्रयोग होगा उसे हम देखते हैं। जैसे यहां पर दिया है दिस बुक इज, या किताब है, यू माने तुम्हारे लिए है, तो यहां पर के लिए हम लिखेंगे फॉर। दूसरा प्रयोग कास्ट, कीमत के लिए भी हम फार का प्रयोग करते हैं। जैसे आई बॉट इट फॉर 30 रुपीज, मैंने 30 रुपए में इसे खरीदा। तीसरा प्रयोग सिंपल है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हम टू का फार का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, और एन आवर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो यहां पर हम भरेंगे फॉर। इस प्रकार से बेसिक प्रीपोजिशन यहां पर समाप्त होती है। कुछ बेसिक प्रीपोजिशन ड्यूरिंग, फ्रॉम वगैरह है, जिनका प्रयोग बहुत ही बेसिक है। ड्यूरिंग का प्रयोग के दौरान के अर्थ में करेंगे, और फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में। थैंक यू।